गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल तो आवर चैनल दैट इज माय चैनल ओके देन यू इट्स ब्राउन लड़की नॉट ब्राउन कपल देन यू डू द कमेंट्री आई वोंट डू एनीथिंग तो भाई आज है 14 तारीख 14 एंड वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू 14 जनवरी और 14 जनवरी को ही ये व्लॉग अपलोड कर दूंगी मैं मतलब इंडिया में कल होगी 14 जनवरी इंडिया में 15 को आएगा व्लॉग है ना पता नहीं मतलब एक दिन बाद करूंगी मैं तो पहले तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति और भाई हम एक हमारे पास एक सरप्राइज है तो वो व्लॉग के एंड में पता चलेगा एंड तक देखना मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये न्यूज शेयर करने के लिए तो भाई काफी टाइम से करो क्या न्यूज़ होगी काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे और इसी चक्कर में मेरा तो भाई अभी आज है संडे और हम हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट भी कौन आ रहे हैं वही बताएंगे उसके लिए आपको कभी फिर बुलवाएंगे हम लोगों से नहीं व्लॉग में बता सकते हैं नहीं तो ना क्या है कि ये कल है तो इसको न्यूजीलैंड में कल मिली एक मतलब हरियाणा में शायद कल का एक ही गांव है वो है इनका गांव तो इसको इनके गांव की एक लड़की मिली लड़की तो, नहीं मेरी बेटी है वो काकाला गांव है ठीक से हाँ बाद में वो घर वालों से पूछ पाछ के वो मैं चाचा लगता हूँ उसका हाँ तो वो पता करा तो रिश्ते में ये लगता है काका चाचा तो वो आज हमारे घर पे आ रही है हमने उसको इनवाइट करा है तो अच्छा लगता है जब कोई मिलता है अपने और वो भी उधर से वो भी सेम विलेज से लेट अलोन इंडिया हरियाणा हाँ गांव से बताओ कल क्योंकि इसने सरनेम देखा सेम उसमें कंपनी में जॉब तो उसके भी जॉब लगी थी तो फिर बात हुई दुनिया यार सच में छोटी है कौन कह सकता है बस मेरे को कोई चार नहीं मिल रहा अभी साढ़े चार न्यूजीलैंड में थोड़ा तो भाई बने रहो व्लॉग के एंड तक ठीक है जरूर देखना जरूर देखना एंड तक ठीक है क्योंकि सरप्राइज बहुत ही बड़ा है वी हैव केप्ट इट क्वाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ काफी टाइम तक हमने बताया नहीं बट फाइनली इट इज कंफर्म सो वी विल शेयर इट वेरी सून होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग आज के बाद अरे भाई हटो मैं कर दूं हटो देख बेशरम शर्म नहीं आ रही भाई क्या कर रही हटो अरे हटो चाहे भाई क्या यार आज जबरदस्ती इतनी करते हो ना बस क्या करूं एक्सपर्ट है अभी फिर कर ओहो भाई जबरदस्ती ले लिया मैं एक काम कर रहा हूं और रिश्ते में क्या लगते हैं ओ चाची दवा लेते हैं कैसे लगा चंदू की चाची ने चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच चटनी चटाई चलो चाय जैसे भी हो बिल्कुल भी मैंने ना मेरी इनके आने की खुशी में रेनबो आया डबल डबल रेनबो तो आसमान भी इतना खुश है कि पूछो मत है ना ये ऐसा लग रहा है इसकी वो शेडो आ रखी है एक रेनबो की बहुत सुंदर है यार हाँ तो गाइस इसकी भतीजी आई हुई थी कल तो हम मोर ऑफ अ फ्रेंड देन भतीजी हाँ तो हमने पूरा दिन बहुत मजे किए तो बीच में हमने इतना ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि हम उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे तो मैं ये बोल रही थी हाँ मैं पूरा दिन बिजी थी ना खाना वाना बनाने में तूने तो हेल्प करी नहीं तो ना मैं ये बोल रही थी हम किसी सरप्राइज की बात कर रहे थे तो मैं पहले ना इंडिया के व्लॉग डाल रही थी कंटिन्यूसली पर हमने सोचा ये वीडियो तो अभी ही डालनी चाहिए ना क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थी हमने सोचा चलो बना के डाल देते हैं हाँ तो इस वीडियो के बाद से वापस इंडिया के व्लॉग आएंगे कुछ एक दिन पता नहीं बीच में हो सकता है मैं व्लॉग डालना ही बंद कर दूँ ऐसा ही काम है मेरा तो बहुत जल्द आप हम दोनों के अलावा किसी तीसरे पर्सन को भी देखोगे ये रुक जाने
तो बहुत ही जल्द हमारे अलावा मतलब ना ऐसे देखोगे तो, और उससे रिलेटेड वीडियो अभी इसके एंड में डालूंगी, तो पूरी वीडियो को ना एंड तक देखो, कमेंट भी करना। फिर रिकॉर्ड हुई है ना ये चलती चलती की। ना कितना के मना कर, अरे इत बस इतने से बैग सुना ली, बैग तो गए, अरे बैग में कितनी परवा भी गई, और रुचिका ने ड्रेस भी दी थी एक, कृति का परवा भी गई, थैंक यू दिया तो रुचिका ने ड्रेस भी थी परवा भी गई। मेरा तो लगते गए गए, प्रीति की बहुत प्रीस इस चीज गई जिसका दो तीन महीने तक वेट करी थी बेसब्री तक, कल भी मिल गई। तो भाई इसकी इसका घराड़ा बात करवाई जा रही है, बैठा बैठा सा लग रहा है, रोने की क्या जरूरत, खुश होना चाहिए। आप फटली न्यूजीलैंड पूछ गई आप, पता था मेरे को, अच्छा कल खाना नहीं बनाया मैंने, इतना गम था पराठे भी नहीं था, फिर कर लेना आज तो खा लिया। तो गाइस ये था वो थर्ड पर्सन हमारा, या इसने मेरा इतनी भड़क करी है ना, इतनी छाती मरा दी है इसने, डंडे डुंडे काट लिए गाड़ी में से, तोड़ा गया इसने यार, मैं फूल टू फूल मेरी देही उठा कर दी खाली में है, आज मत करियो, दो चार दिन में मैंने ठीक हो जाऊंगा। इस इसका वीजा ने मैं इतनी परेशान करी हूं ना, मैं अलग से तीन चार वीडियो बना सकूं इसको ऊपर, कि मेरे पापा यह वीडियो देखेगा ना तो जगह मैं तो रोने लग रहा हूं, छोरी का कोई गम नहीं, राती हो रही है दिमाग नहीं है पूरी जाके, वीडियो देख के यही बोलेंगे लड़की खुश है, बस हमें ही दुख हो रहा है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे ना अभी उसे देख के, नो सोचते हैं हमने तो रोटी ना खाई, इसके फर्क है ना पड़ रहा है कि मैं तो राजी और हो रही है। तो भाई अब चार बजने वाले हैं सुबह के, 12 बजे आनी थी, सामान ना मिला, क्या करते भाई वो काउंटर वाला बंदा इसका वो बोर्डिंग पास लेके था, अच्छा आपको तो एक ही बैग है, मैं कहा ना भाई दो बैग है मेरे, मैंने सोचा भाई मेरा भिड़ता ही आया बात दिमाग में, भाई नुकसान हो गया तो कर, फिर मैंने मैं अब बनने वो देखा उस पर नाम किसे हो रहा है, मैं भाई मेरा नाम सुना लिया तो क्या देखने लग रहा है, फिर उसने वो सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मैं सॉरी तेरी सीती सी मेरा हार्ट अटैक आ जाए फैल जाए मैं पड़ी पाऊँ मैं नीचे मंदिर, भाई साहब सही में। तो गाड़ी भी साइड लगाई थी कि बैग बुक धरा गए सुना ली के खोलने में दिक्कत ना होगी, बैग ना आए, ओ गॉड तेरी लाल जैकेट कितने बैग में घोल दी, अच्छा वाह तो मैंने बोझ की मैं दो दो पैर रखी, हाँ देखी थी मगा देख गर्मी का मैं किस तरह चार चार पैर रही, तो हाँ इंडिया में तो ज्यादा है था, पर गर्मी तो मैं काली पैर गई, मतलब मेरे को भी बोली पर जैक खो देगी इसने कितना पैर नहीं, मुझे हाथ मैंने गिर देगी, आइए मैडम मेम साहब ओए धन्यवाद, बैठिए सुना ली आपका स्वागत है घर में, बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है फाइनली इतनी प्रसाद बोलने के बाद, तो मेरा ना यार कतिया जी वो जी सब यही बात
तू पहुंच गई है इतनी प्रसाद वरसाद बोलने के बाद, स्वामी भंडारे करने पड़ेगा, हाँ 16 सोमवार नवरात्र सब करेंगे तो। देख इस खातर हमने जूस भी दर रखा है गाल का। पहला है हाँ, चलो सोनाली का रूम दिखाया जाए अभी, लाइट ऑन कर। तो भाई इसकी माँ ने चिंता हो रही थी, देख भीतर जा जा, कंबल कुंबल का लेदर रखे जण क्या इधर रखे, एक दो और तीन, तेरा जो जी करे ना वो ओढ़ दो ठीक है। इसकी माँ ने कह दी जानती है उन दूर मांगेगी कामल कुमल मांगेगी जाते हाँ, कहे तू लत्ते भी मांगूंगी मेरा तो बैग के घूम हो गया, लत्ते मांग के पहनने पड़ेंगे, सही बात है, बतानी पड़ेगी मेरी माँ ते बैग खूबे लत्ते मांगने पड़ेंगे, माई पुचा थोड़े बहुत लत्ते कुरियर कर रातों रात में। ये देखो भाई स्नेल है ये ठीक है ना, अरे उस नेल तो है पर मेरा इसने अपनी गेटी गुटी पूछ पाछ भीतर करा की थी, ये नीचे पड़ी हुई थी सोनाली ने सोचा, पड़ी ना थी मैंने तो उधर डंडा सा ना चेयर पे क्या जब गिरी थी ऊपर तक कितने गिरी मैंने ना मेरा कितने उड़ाते पड़ी कितने लकड़ी का, तो फिर ना मैं सोची भाई ये कुछ शंख जैसा सा लगता है इसकी गर्दन पूछ सब इसके अंदर बता रखी थी इसने, मैंने उठा के यहाँ रख गया, फिर जब आपने मेरे को बताया ना देख तब मैं कहो तमन्ना दे रहा भाई 5 बजे रहे आप कहाँ रखू ये उड़ाए कर दे।